ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चेसी नंबर या व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, विन नंबर, विन विन व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या साधारण भाषा में इसको कह देते हैं चेसी नंबर। अभी गौरव इसको ट्रेस करके लाया, से ऐसे लगाना है और उसके बाद पेंसिल से, पेंसिल को ऐसे लगाना है, यूँ ऐसे नहीं, पेंसिल को इस तरह से इसके ऊपर चलाना है। ये नंबर साफ साफ क्लियर आ गया, MAT 6608525 CPD 31200, ये मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख भी दिया, ठीक है। ये चेसी नंबर ट्रेस करना सबको आना चाहिए, और इसी चेसी नंबर में होता क्या क्या है इसको जानते हैं। प्रत्येक वाहन का मैन्युफैक्चरर, जिसने भी वाहन को बनाया है, वो अपने वाहन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, जिसे व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, विन कहते हैं। यह 17 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होती है, मतलब इसमें कुछ नंबर्स होते हैं 0 to 9, और कुछ इसमें अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एज पर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर उसको डिसाइड करता है। तो इसे बोल दिया जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि इसमें 0 to 9 तक अंक भी हैं, डिजिट भी हैं, और इसमें A to Z तक लेटर भी होते हैं। A to Z तक में से कोई भी एक, कुल मिला के ये 17 नंबरों का एक इस तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है, जिसे चेसी नंबर या व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। इस चेसी नंबर से ही पता चल सकता है कि यह कौन सा वाहन है, किस ईंधन से चलता है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितने सीसी का इंजन है, कितने सिलेंडर का इंजन है। ऑल अबाउट व्हीकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहचान। व्हीकल वाहन, किसी भी वाहन का यह एक पहचान क्रमांक है। सिर्फ इसके द्वारा काफ़ी सारी डिटेल मिल जाती है, कैसे कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने दो नंबर लिखे हैं, MAT 608535 CPP 76541, एक वाहन ये है और दूसरा वाहन है ये, जिसका पीले से लिखा है MAT 608525 CPD 31200, ये दो अलग अलग वाहन हैं, ठीक है। अब ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। अब ये होता कहाँ पर है, ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स कार में जब ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलते हैं तो बी पिलर पे, जहाँ पर दरवाज़ा लगता है, ए पिलर जहाँ दरवाज़ा हिंज होता है, ठीक है, और फिर बी पिलर में बिल्कुल दरवाज़ा खोलते ही वहाँ पर ये खुदा हुआ होता है पिलर में। किसी वाहन में यह आगे जो फायरवॉलिंग करी हुई है, यानी जहाँ विंड स्क्रीन लगी है, जब हम बोनट खोलेंगे उसका, तो वहाँ भी खुदा हुआ हो सकता है, वहाँ भी खुदा हुआ हो सकता है। मारुति वैन्स में जब ड्राइवर की सीट उठाते थे, तो अब तो वो बंद हो गई है, मगर इको चल रही है उनकी, ठीक है, तो जब ड्राइवर की सीट उठाते हैं तो वहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर, कल दिखाए थे मैंने, शॉक एब्जॉर्बर के लिंक कहाँ कहाँ मिले रहते हैं, ऊपर कहाँ लगा रहता है, नीचे कहाँ लगा रहता है, तो जो ऊपर वाला उसका लिंक है वहाँ पर भी ये खुदा हुआ होता है। बड़े वाहनों में ये चेसी के जो लॉन्ग पैनल है, लॉन्ग मेंबर है, मान लिया ये फ्रंट की तरफ है, ये फ्रंट है और ये रियर है, तो किसी वाहनों में ये यहाँ पर खुदा हुआ हो सकता है, किसी किसी में यह यहाँ पीछे भी खुदा हुआ हो सकता है,
मतलब ये इसके साथ ही पंच करके लिखे हुए नंबर्स होते हैं, ठीक है। किसी वाहन में या ड्राइवर साइड के जो डैशबोर्ड, पूरा पूरी असेंबली है डैशबोर्ड, उसमें जिसमें सामान वामान रखा जाता है उसे कहते हैं ग्लोव बॉक्स, और जिसमें गेजेस लगे हुए रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर गेज, जहाँ पर वो है इंस्ट्रूमेंट पैनल, जहाँ आरपीएम मीटर लगा है, स्पीडोमीटर लगा है, ऑडोमीटर लगा हुआ है, फ्यूल का मीटर लगा हुआ है, और सारी बहुत सारी लाइटें जहाँ इल्यूमिनेट करती हैं, वो है इंस्ट्रूमेंट पैनल। उसी के साथ एसी के डक्ट भी हैं, अंदर वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स हैं, शटर हैं, उसमें उन्हें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये सारी असेंबली मिलके कहलाती है डैश बोर्ड, क्लियर है। तो ये वहाँ पर भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जो भी वाहन के साथ एक मैनुअल मिलता है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था जब हमने गाड़ियों का व्हील बेस, व्हील ट्रैक वगैरह नापा था, तो इस तरह का एक यूजर्स मैनुअल मिलता जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई रहती है। जो भी हमने इसका व्हील बेस, व्हील ट्रैक फ्रंट, व्हील ट्रैक रियर, फ्रंट ओवरहैंग, रियर ओवरहैंग, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट, जो भी नापनी है वो सारी डिटेल इसके पीछे लिखी हुई रहती है। साथ ही वाहन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सर्विस शेड्यूल आदि की जानकारी सब इसमें रहती है। इसमें भी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहाँ पर है उसकी भी जानकारी रहती है। ये हमेशा वाहन में उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है। कई बार चलते चलते वाहनों में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी जानकारी भी इसमें से मिल सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब देखना है, अभी बताना है कि ये जो कुछ सेसी नंबर हमने जो ट्रेस किया है वो इसमें भी है। जैसे ही हम इसको ये CH 76541 ये बाहर से ही लिखा है इन्होंने, पर अंदर इसमें और पूरी डिटेल है। MAT 608535 CPP 76541 इसकी जानकारी है, इंजन नंबर है, सेसी नंबर है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। पर जब रजिस्ट्रेशन में होने के लिए वाहन जाता है तो उस समय जो आरटीओ ऑफिस में इस सेसी नंबर को इसी तरह से फॉर्म में ट्रेस कर लिया जाता है। जब भी रिन्यूअल होता है, जब भी फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है, वाहन फिट है या नहीं है, चलने लायक है या नहीं है, उसकी रोड वर्दीनेस चेक होती है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट पे, इंश्योरेंस पे, रजिस्ट्रेशन में, परमिट में, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, एवरीवेयर चेसिस नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पर पॉल्यूशन के लिए इस तरह से ट्रेस नहीं करते, इस तरह की ट्रेसिंग होगी रजिस्ट्रेशन के समय, परमिट जारी होते समय और फिटनेस के समय, ठीक है। कोई भी वाहन निकल गया, रोड पे आ गया, ठीक है, टेस्टेड है, ओके है, सब कुछ है, मगर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है आरटीओ, संभागीय परिवहन अधिकारी, वह भी अपनी तरफ से फिटनेस जारी करता है इन्हीं सारे प्रपत्रों को देखने के बाद, उस चेसी नंबर का वेरिफिकेशन करने के बाद कि यह जो चेसी नंबर दिया गया है यह वाहन में खुदा हुआ भी है या नहीं, ये वही वाहन है या किसी का भी चेसी नंबर किसी में भी लगा के भेज दिया, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी नंबर है, यह वाहन के मैन्युफैक्चरर द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो इस 17 डिजिट में होते क्या क्या हैं? जो पहला डिजिट है जैसे M, ये डिटेल्स ऑफ वेयर द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड, ये पहला नंबर बताता है कि यह कार कहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुई है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यह M स्टेट्स फॉर हियर महाराष्ट्र, क्योंकि हमें पता है ये टाटा का मॉडल है और ये पुणे में बनता, ठीक है। पर इसकी सारी डिटेल होती है, आरटीओ के पास होती है, इंश्योरेंस वालों के पास होती है और मैन्युफैक्चरर के पास तो होती है। तो जो M है, ये इतने बड़े 17 डिजिट में जो पहला डिजिट है M, ये है
डिटेल्स ऑफ वेयर द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड, कार कहाँ बनी है, भारत में भी, महाराष्ट्र में बनी है, उत्तराखंड में बनी है, झारखंड में बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, कहाँ बनी है, ठीक है। हवा बहुत तेज है। जो सेकंड और थर्ड, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर या डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जैसे टाटा मोटर्स, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और अगर बाइक वगैरह हैं तो हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस या बजाज, ठीक है, उस चीज़ को ये नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर या डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। फोर्थ टू एट्थ डिजिट, चौथे से आठवां डिजिट, यहां तक 60853, डिटेल्स ऑफ द व्हीकल, इस वाहन की पूरी जानकारी इन पांच नंबरों में। क्या क्या जानकारी, कि इसका ब्रांड कौन सा है, सपोज ये TDI है, ये क्वाड्राजेट है, ये सैफायर है, या ये कौन सा मॉडल है, और ये LX है, LXi है, या टॉप मॉडल है, VXi है, इसमें इंजन की कैपेसिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर है, उसका बोर डाया कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है, क्यूबिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एल या पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एस, इंजन की कैपेसिटी, उसमें कौन सा फ्यूल यूज्ड हो रहा है, ये डीजल कार है, पेट्रोल कार है, CNG है, LNG है, माइक्रो हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, EV है, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, ये सारी जानकारी इन पांच डिजिट्स में होती है। डिटेल्स ऑफ द व्हीकल, ब्रांड, इंजन कैपेसिटी, फ्यूल यूज्ड, उसकी फिर इंजन की कैपेसिटी निकालने का सीधा साफ, उसका बोर्ड आया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, क्लियर है। नाइन्थ डिजिट जो यहाँ पर पांच है, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, ये सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रदान किया गया एक सुरक्षा कोड है। जो टेंथ डिजिट है C, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, यह डिनोट करता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऑफ द व्हीकल, वाहन किस सन में मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, किस सन में ये वाहन पूरी तरह से बन के सड़क में आया है, मतलब ये 2012 मॉडल है, 13 है, 14 है, जो जिस वर्ष वाहन बनता है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कहलाता है। वो एक मॉडल अलग चीज़ है कि ये टाटा इंडिका विस्ता है, टिगोर है, टियागो है, नेक्सन है, जेस्ट है, हैरियर है, या सफारी है, सफारी में भी स्टॉर्म है या डाइकोर है, ठीक है। इसी तरह से मारुति में, मारुति के बहुत सारे मॉडल्स हैं, मारुति 800 है, सलेरियो है उसकी, और बहुत सारे हैं, विटारा, ब्रेजा, जिमनी एंड मैनी मोर, ग्रैंड विटारा, ठीक है। SX4 बढ़िया मॉडल था, वो बंद करके इन्होंने फिर वो लंबा बना दिया, कोई दूसरा ही। छोड़ो, जो टेंथ डिजिट है वह बताता है कि जिस वर्ष में वाहन बना रहता है वो उसका मॉडल ईयर होता है, ठीक है। तो वो बताता है कि एक वाहन किस सन में बना, सपोज इसके लिए हम ये देख सकते हैं, 0 को A, 1 B, 2 C, ये एक न्यूमरोलॉजी होती है, मगर हर कोई ऐसा ही नहीं करता, सबका अलग अलग कोड होता है, ठीक है।
तो इससे पता चल जाता है कि जैसे ये वाहन 2012 में बना हुआ है या 13 में बना हुआ है, 14 में बना हुआ है, 15 में बना है, 2022 में बना है, कब बना है, ठीक है। 10th डिजिट उसका है मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऑफ द व्हीकल। जो 11th डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर पी, सी के बाद है पी, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ द व्हीकल, ये किस प्लांट में बना हुआ है। मारुति सुजुकी का एक प्लांट गुड़गांव में है, दूसरा मानेसर में है, तीसरा सानंद में है गुजरात में। उसी तरह से टाटा मोटर्स के पंतनगर में भी प्लांट है, वहाँ भी वाहन बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है। लखनऊ में भी है, जमशेदपुर में भी है, पुणे में भी है। तो मैन्युफैक्चरर बहुत जगह पर अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो किस प्लांट में ये वाहन बना हुआ है उसकी जानकारी देता है 11th डिजिट। अब ये पी फॉर पुणे ही नहीं है, ठीक है, अब एम फॉर महाराष्ट्र ही नहीं होगा। अगर एम फॉर महाराष्ट्र होगा तो मध्य प्रदेश का कुछ और होगा, एमपी का कोड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो एम से तो बहुत सारे राज्य निकल रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग 6 डिजिट्स सीरियल नंबर ऑफ द व्हीकल, जो लास्ट के ये डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका यूनिक सीरियल नंबर है, यूनिक सीरियल नंबर ऑफ द व्हीकल। इतनी सारी जानकारियां ये 17 डिजिट देते हैं। इसकी जानकारी मैन्युफैक्चरर से ली जा सकती है और दूसरी आरटीओ ऑफिस से ली जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने चेसी में कंप्लीट हो गया कोर्स। कोई किसी को कुछ डाउट है इसमें, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वह पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेगा क्लच, कि जो इंजन तुम्हारा फर्स्ट ईयर में पूरा इंजन बताया कि किस तरह से वो पावर पैदा कर रहा है, कौन कौन से उसके सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, जली हुई गैसें कैसे बाहर को निकल गई। तो अभी हमने क्या देखा कि चेसी के ऊपर कोई इंजन किस तरह से फिट है, उसके साथ लगा है पीछे क्लच हाउजिंग, फिर गियर बॉक्स, फिर ड्राइव शाफ्ट, फिर फाइनल ड्राइव या डिफरेंशियल असेंबली, देन एक्सल हाफ शाफ्ट, वो एक केसिंग के अंदर बंद है रियर व्हील ड्राइव में, उसके बाद व्हील ड्रम या हब ड्रम या ब्रेक ड्रम, देन व्हील्स एंड टायर्स, इसमें लगे हुए वेरियस अदर सिस्टम्स, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, ये क्या है, कंट्रोल सिस्टम। वाहन के झटके सड़क तक ना आ पाए उसके लिए है सस्पेंशन सिस्टम। लाइटिंग का बहुत एसेसरीज में आ जाता है, वो हेडलाइट है, टर्न सिग्नल्स हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न है, वाहन के अंदर की लाइट है, केबिन की लाइट है, डैशबोर्ड की लाइट है, नंबर प्लेटों की लाइट है, बहुत सारी लाइटें हैं, HVAC है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इन सब के बारे में इसी वर्ष में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा वो होगा क्लच, कि इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक किस तरह से पहुंचाया जाता है और क्यों ये ज़रूरी है, क्लच की क्या आवश्यकताएं हैं, क्लच की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्लच होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और वो उसकी इंगेज डिसंगेज पोजीशन क्या होती है, मैकेनिकल क्लच क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच किस प्रकार के होते हैं, ड्राई डिस्क एंड वेट क्लचेज, इन सब के बारे में कल से कोर्स शुरू होगा, ठीक है। इसके लिए आज ही उस जीप के चेसी के साथ जो लगा हुआ गियर बॉक्स है उसका पिछला सारा अटैचमेंट हटाने के बाद गियर बॉक्स निकालेंगे, फिर वहाँ पर किस तरह से क्लच असेंबली लगी हुई है उसको देख लोगे तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। अभी एक कार की सर्विसिंग करनी है, इंजन ऑयल चेंज करना है, तो इंजन ऑयल जब चेंज होता है क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं,
क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, कराना सवाल जोर से बोल। ऑयल, ऑयल फिल्टर, उसके साथ डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर। और अगर जब डीजल फिल्टर फिट किया जाता है, नया फिट किया जाता है, तो उसके बाद उसकी जो लाइन में एयर रह गई, जब आपने पाइप खोला तो पाइप खोलने पर क्या हो गया, पूरी लाइन में हवा घुस गई। उस हवा को भी रिमूव करना होता है, उसको कहते हैं एयर ब्लीडिंग। ठीक है, तो हवा निकालना, फ्यूल सिस्टम से हवा को निकालना होता है। बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, नीचे का जब ड्रेन प्लग खोलना है तो उसको सावधानी पूर्वक खोलना है, टाइट करते समय और भी ज़्यादा सावधानी पूर्वक टाइट करना है। ऑयल फिल्टर को खोलते समय भी सावधानी रखनी और फिट करते समय और ज़्यादा सावधानियां रखनी। फ्यूल फिल्टर को फिट करना है तो वो ओरिंग को भी लगाना है और उसके साथ एक और रबर की और सील है, उसे बढ़िया तरीके से बैठाना है, अन्यथा फिर चलते चलते वाहन में फिर एयर लेने की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो बार बार गाड़ी बंद होगी भी, स्टार्टिंग ट्रबल भी आएगा। एयर फिल्टर एकदम साफ होना चाहिए और जब भी बदली हो रहा है, होने को इस पे लिखा है 20,000 किलोमीटर के बाद बदलें, 15,000 किलोमीटर के बाद बदलें, पर हमारी अपनी कार है, हम जब भी उसकी सर्विसिंग कर रहे हैं तो हम उसका एयर फिल्टर भी चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि एयर बहुत ज़रूरी है। जब साफ हवा इंजन के अंदर जाएगी तो उससे फ्यूल इकोनॉमी में भी वृद्धि होगी और पुलिंग पावर भी अच्छा होगा, कम फ्यूल खाएगी। ठीक है, इंजन की लाइफ बड़ी रहेगी। इसलिए यदि वो 10,000 किलोमीटर में बदलना है तो 9,000 में बदल दो, कोई बात नहीं। 10,500 तक की जो आदत डालता है, जो कार्य हम बार बार करते हैं, फिर वो हमारी आदत हो जाती है। समझ में आई? इसलिए आदत ऐसी बनानी है कि सर्विसिंग पहले कर लेनी है ताकि ब्रेक डाउन ना हो। समझ में आई? मेंटेनेंस एक है, डेली मेंटेनेंस, पीरियोडिकल मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन वो मेंटेनेंस हुआ है जब कोई चीज़ टूट गई, गाड़ी कहीं खड़ी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो है फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम पीरियोडिकल सर्विस होती रहे, डेली मेंटेनेंस होती रहे, वीकली मंथली इंस्पेक्शन लगातार होता रहे, तो वाहन की लाइफ भी बढ़ जाती है, यात्रा भी सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है। सो इट्स एनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।